भंडारा शहर के ऑफिसर क्लब में जॉकी रावलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जहां उन्होंने बताया महायुति भंडारा विधानसभा चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक नरेंद्र भोंडेकर की उम्मीदवारी की घोषणा की गई। इस बीच विधायक भोंडेकर की उम्मीदवारी के खिलाफ भंडारा तालुका प्रमुख और घटक दल का भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने कल भंडारा में विधायक भोंडेकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जिससे शिवसेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर ये पूरा मामला यही नहीं रुकता तो इसके जवाब वैसे ही दिया जाएगा। अगर बीजेपी कोई उम्मीदवारी खड़ा करना चाहती है तो उन्हें ऐसा करना चाहिए और सामने आकर लड़ना चाहिए, लेकिन पीछे से वार नहीं करना चाहिए। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में थी कि जैसे कल समाज माध्यम के कुछ वीडियोस हमने देखे, जिसमें बीजेपी के कुछ तालुका प्रमुख है, विनोद बांते, प्रशांत खोबरागड़े और कुछ लोग थे जिन्होंने प्रदर्शन किया अपने पार्टी के लिए टिकट मांगने के लिए। हमारा ये कहना है कि टिकट मांगना हर पक्ष का अपना अपना अधिकार है, उनके पदाधिकारियों ने टिकट मांगना चाहिए, हमारा उस पर कोई आक्षेप नहीं है। किंतु ये करते समय उसमें विनोद बांते, कैलाश तांडेकर, इनकी जो लैंग्वेज थी हमारे आमदार साहब, हमारे नेता के बदल एक ही उल्लेख किए, हमारा इसको पूर्ण विरोध है कि तुम टिकट मांगो, सबका संवैधानिक अधिकार है, आप सब कर सकते हैं, किंतु अगर हमारे नेता के प्रति तुम लोग इस तरीके की टिप्पणी करोगे और एक ही शब्दों का उल्लेख करोगे तो ऐसा शब्दों में उल्लेख हमको भी करना आता है। हम नहीं चाहते युति में कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए हम ऐसे शब्दों से बच रहे हैं। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि हमारे आमदार के खिलाफ आप लोग उम्मीदवार उतारेंगे, अपक्ष उतारेंगे, जो भी उतारेंगे, तो मैं उनको सिर्फ यही याद दिलाना चाहता हूं कि मैं भंडारा गोंदिया का लोकसभा अध्यक्ष युवा सेना का होने के नाते जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि अगर आपने ऐसा कुछ किया या ऐसा करने की हमको धमकी दी या इस तरीके का आप प्रयोग करेंगे तो हम ये सभी 6 सीटों पे जहां जहां आपका उम्मीदवार है वहां वहां हम लोग हमारा भी उम्मीदवार उतार सकते हैं। आपको हम लोग इसका जवाब आपके तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से देना जानते हैं, कृपया हमारे संयम के साथ खिलवाड़ ना करें। पक्ष श्रेष्ठियों ने जो निर्णय लिया है एक तो उसका मान रखें, या फिर ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी बड़े नेताओं के छुपे समर्थन से आप ये सब कर रहे हो तो आप वैसा भी सामने आ जाओ, हम उस चीज का भी सामना करने के लिए तैयार है। युति के हिसाब से यहाँ पे युति धर्म निभाना उनका काम है, टिकट हमें डिक्लेयर हो चुकी है और 29 तारीख के बाद 4 तारीख तक के सारी चीजें क्लियर होने वाली है। उसके बाद भी अगर इनका ये करते तो हम इनके जो पक्ष श्रेष्ठ है उनके पास आक्षेप दाखिल करेंगे अपना, फिर वो लोग कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।